गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग क्लास टेंथ में आज एक नया चैप्टर के साथ उपस्थित हैं और यह है समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमैटिक प्रोग्रेशन को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इसको समझें अच्छी तरह से कि समांतर श्रेणी क्या होता है। तो आप लोग पहले समांतर श्रेणी को समझने से पहले अनुक्रम को समझें, सिक्वेंस को समझें कि सिक्वेंस क्या होता है। तो एक निश्चित नियम पर आधारित संख्याओं का क्रम जो होता है वह अनुक्रम कहलाता है। मतलब कोई ना कोई उसमें नियम होता है और उसी नियम पर आधारित उसके पद होते हैं, उसी प्रकार से वो बढ़ते जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम यहां पर एक सीक्वेंस देख रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10। तो यहां पर क्या नियम है, निश्चित नियम कि प्रत्येक संख्या जो है वह अगली संख्या जो है उसमें दो प्लस हो रहा है, जुट रहा है। दो में दो जोड़ा गया तो 4, 4 में 2 जोड़ा गया 6, 2 जोड़ा गया 8, फिर 2 जोड़ा गया 10। यानी हमेशा दो दो इसमें प्लस होते जा रहा है। फिर अगला हम एक सीक्वेंस देखते हैं जो यहां 1 है, 1/2 है, 1/4 है, 1/8 है। इसका क्या नियम है, इसका क्या रूल है? तो इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा, जो आपका 1 था 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1/2, फिर इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1/4, फिर इसका मल्टीप्लाई हुआ तो 1/8। या इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि बाद वाला पद पहले वाला पद का आधा होता जा रहा है। 1 का आधा 1/2, 1/2 का आधा 1/4, इसका आधा 1/8। तो यह भी एक निश्चित नियम है। फिर अगला सीक्वेंस देखते हैं 15, 10, 5, 0, -5। क्या हो रहा है, यह 5 घटता जा रहा है। 15 में से 5 घटा 10, फिर 5 घटा 5, फिर 5 घटा 0, फिर 5 घटा -5। फिर यह सीक्वेंस देखें 2, 4, 8, 16। इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई होते जा रहा है 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4, फिर 2 से मल्टीप्लाई हुआ 8, फिर 2 से हुआ गुणा 16। तो इस प्रकार जब निश्चित नियम पर जब कोई संख्याओं का क्रम या पद व्यवस्थित रहते हैं तो उसको हम लोग अनुक्रम या सीक्वेंस कहते हैं। अब हम लोग एपी यानी समांतर श्रेणी को समझें। यह क्या है, ऐसा अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद यानी टर्म पहला पद को छोड़कर अपने पूर्ववर्ती पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। जैसे इसी में उदाहरण में आप देखिए कि यहां पर जब अगला पद कैसे प्राप्त होगा, अपने पूर्ववर्ती पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर। जैसे यहां पर 2 जोड़ा गया है तो 4 प्राप्त हुआ, यहां पर 2 जोड़ा गया है तो 6 प्राप्त हुआ। तो यह जो आपका प्रत्येक पद है वह अपने पूर्ववर्ती पद में एक निश्चित संख्या यानी 2 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। यानी यह एक एपी का उदाहरण है। यहां पर जो पहला पद है वह इस नियम का अपवाद है, वह पहला पद कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके बाद वाले जो सभी पद हैं वह पहला पद में या उसके पहले वाले पद में यानी पूर्ववर्ती पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। अब देखिए, यह जो निश्चित संख्या है जो जोड़ने से अगला पद आपको प्राप्त होता है उसी को एपी का सार्व अंतर कहलाता है। वह सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस को डी से सूचित किया जाता है। यह जो है आप लोग ख्याल में रखेंगे कि जो संख्या बार बार जोड़ी जा रही है वह निश्चित संख्या सार्व अंतर कहलाती है और वह डी से सूचित होता है। साथ ही जो इसका प्रथम पद होता है एपी का उसको ए से सूचित किया जाता है। अब दूसरे शब्दों में इसी के परिभाषा को हम क्या लिख सकते हैं कि ऐसा अनुक्रम जिसमें किसी भी पद एवं उसके पूर्ववर्ती पद का अंतर सदा समान रहे। तो एपी किसको कहते हैं कि कोई भी पद और उसके पहले वाला पद का डिफरेंस निकालेंगे तो वो हमेशा बराबर होना चाहिए। जैसे 4 में से 2 घटाया तो 2, 6 में से 4 घटाया 2, 8 में से 6 घटाया 2। तो यह जो आपका अंतर है वह सदा समान रहता है। अब जैसे हम एक एपी का उदाहरण ले रहे हैं, a1, a2, a3, a4 से लेके an तक, यह इसके टर्म्स है, पद है। तो आप क्या देखते हैं कि इसका सार्व अंतर जो है डी वो कैसे निकाला जाता है, बाद वाला पद में से पहले वाला पद घटाने पर सार्व अंतर आपको प्राप्त होता है। इसमें से फिर इसको घटाएंगे a3 - a2, तब भी सार्व अंतर प्राप्त होगा। तो यह जो डिफरेंस है यह जब भी किसी बाद वाला पद में से पहला वाला पद घटाएंगे तो वो सारा का डिफरेंस आपको सेम जब आएगा
तब हम कहेंगे कि यह अनुक्रम एपी है। अब अर्थात जो हम लोग पढ़े हैं कि एपी के पदों को अपने पूर्ववर्ती पद में सार्व अंतर जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है, मतलब जो आपका पहला पद जैसे हमने माना है कि ए कहा जाता है पहला पद, तो आप जब अगला पद आपको निकालना हो एपी का तो उसमें डी यानी सार्व अंतर को उसमें प्लस कर देंगे, तब दूसरा पद हो जाएगा ए प्लस डी। तीसरा पद निकालना हो तो ए प्लस डी में फिर डी जोड़ देंगे, तो डी पहले से था एक और डी जुटेगा तो टू डी, फिर डी जोड़ेंगे तो थ्री डी। इस प्रकार एपी के पदों को आप ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर एक चीज और समझ लीजिए जो आपको आगे आपको काम आएगा, यहां पर जो पहला पद था उसमें डी जो था एक भी नहीं है, जब दूसरा पद आप ज्ञात करते हैं तो डी की संख्या कितनी है एक है, तीसरा पद आप ज्ञात करते हैं तो डी की संख्या क्या है दो है, मतलब जितना पद होता है डी उससे एक कम होता है। तो इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। यह आपको बाद में फॉर्मूला के रूप में भी उपयोग होगा कि जो पद आपको निकालना हो उतना में प्रथम पद में कितना जोड़ना है एक कम डी जोड़ना है, यानी कि जैसे कि आपको सातवां पद ज्ञात करना हो तो होगा ए प्लस सिक्स डी, मतलब सातवां पद ज्ञात करना है तो एक कम उससे डी होगा। तो इस प्रकार से आप इस फॉर्मूला को भी समझ सकते हैं, इसी से यह फॉर्मूला आया। अब अगला चीज है आपको कि एपी के पदों की संख्या जब निश्चित हो तो उसको परिमित एपी कहते हैं, और जब पदों की संख्या अनिश्चित हो तो उसको अपरिमित एपी कहते हैं। अब परिमित का क्या मतलब है, कहीं लिखा हुआ है कि दो चार छ आठ डॉट डॉट डॉट, अब ये अनंत तक जा सकती है, तो यह जो है आपका अपरिमित एपी का उदाहरण है। अब लास्ट में हम यदि यहां पर लिख देंगे 100 तो एक लिमिटेशन हो गया कि यह सीरीज यह सीक्वेंस लास्ट में 100 तक ही जाएगी, तो यह परिमित एपी का उदाहरण हो गया। तो आप इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जब एपी में अंतिम पद दिया हुआ हो तब उसको हम परिमित एपी कहते हैं, और जब यह अंतिम पद नहीं हो और डॉट डॉट दिया हुआ रहे लास्ट में कुछ नहीं रहे यानी वह अपरिमित एपी। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के प्रश्नों को देखेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों, तो पहला इसका प्रश्न है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8। तो पहला जो आप किलोमीटर यात्रा करेंगे उसके लिए किराया आपका 15 होगा, फिर अगला जो यात्रा करेंगे यानी 2 किलोमीटर यात्रा करेंगे तो 15 + 8 आपको देना होगा, और जितनी किलोमीटर यात्रा बढ़ाते जाएंगे ₹8 उसमें प्लस होता चला जाएगा। तो आप देखते हैं कि प्रत्येक पद जो है 8 बढ़ता चला जा रहा है और वह निश्चित संख्या हमेशा जुड़ती चली जा रही है। तो इस प्रकार यह एपी का उदाहरण है, इसको हम कहेंगे कि एपी में हाँ है, और क्यों है, क्योंकि अगला पद एक निश्चित संख्या के जोड़ने से आपको प्राप्त हो रहा है। अब जैसे सेकेंड प्रश्न क्या कहता है इसका कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अब यहां पर क्या है कंडीशन कि जितना इसका हवा रहेगा एक बार इसको पंप किया जाएगा तो इसका 1/4 हवा बाहर निकल जाएगी, और जब हवा बाहर निकल जाएगी जो शेष बचेगा फिर दूसरी बार पंप करेगा तो फिर उसका 1/4 बाहर निकलेगा। तो मान लिया जाए कि इसमें आपका 100 मात्रक हवा है, हवा का जो आयतन है वो 100 है, और जब इसको एक बार पंप करेंगे तो 100 का 1/4 क्या होगा, ये होगा आपका 25। तो 25 मात्रक हवा इसमें से बाहर निकल जाएगी, तो 25 मात्रक हवा जब इसका बाहर निकलेगा तो आपका बचेगा कितना 75 बचेगा। अब जब 75 इसमें हवा जब बचेगा मात्रक, तो 75 का आपको 1/4 भाग जब इसको पंप करेंगे तो उसका 1/4 बाहर निकलेगा, तो 75 का 1/4 क्या होगा 18.75 होगा, तब आपको कितना हवा बचेगा
56.25 बचेगा। यानी आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हवा की मात्रा कम होती जा रही है उसका निकलने वाली हवा का जो आयतन है वह भी कम होता जा रहा है, क्योंकि कम हवा बचेगा उसका 1/4 कम होगा। तो पहले जो था हवा का आयतन वो 100 था, बाद में जो एक बार पंप करने के बाद 75 आया, उसके बाद पंप करने के बाद 56.25 आया। तो क्या हो रहा है, पहली बार में 25 घटा, दूसरी बार में 18.75 घटा, फिर तीसरी बार में जब इसका 1/4 निकालेंगे तो और भी कम घटेगा। यानी यह जो है एक निश्चित क्रम में नहीं घट रहा है, इसलिए यह जो आपका उदाहरण है वह एपी का उदाहरण नहीं है, क्योंकि यदि घट रहा है तो निश्चित क्रम में घटना चाहिए कि यदि पहली बार 25 घटा है तो फिर 25 घटे, फिर 25 घटे, फिर 25 घटे, तब उसको हम कहेंगे कि यह एपी में है। और तीसरा प्रश्न है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत ₹150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत ₹50 बढ़ती जाती है। तो इस स्थिति में एक मीटर आपको खुदाई करवानी है तो आपको ₹150 लगेगा, और फिर नेक्स्ट जो भी आप मीटर यदि आपको खुदाई करवानी होगी तो ₹50 एक्स्ट्रा आपको लगेगा। तो 150 + 50, फिर 150 + 2×50। तो इस प्रकार आप क्या देखते हैं कि हर बार में 50-50 की वृद्धि हो रही है, यानी एक निश्चित संख्या बढ़ रहा है, इसलिए यह जो अनुक्रम है वह एपी का उदाहरण है। और फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि ₹10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती। तो जब चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई चीज जमा की जाती है तो आप तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप जब गांव में जब कोई पैसा आपको देता है, जनरली 3%, 4% के लोन पर देता है, इंटरेस्ट पर देता है, तो हर महीना यदि मंथली इंटरेस्ट पर देगा तो यदि ₹200 इंटरेस्ट होगा और 10 महीना आप उसको नहीं कर्जा चुका पाइएगा तो 10 महीना का 200 से गुना कर देगा तो 10×200 यानी ₹2,000 जो है आपको उसका सूद होगा। यानी आप जितना दिन भी नहीं दीजिएगा उतना गुना 200 महीना के हिसाब से होगा। लेकिन जब आप बैंक से कर्जा लेते हैं तो क्या होता है, इंटरेस्ट रेट तो उसका कम होता है, लेकिन यदि आप 3 महीना पर यदि उसको चुकाना है, 1 महीना पर चुकाना है, और यदि आप इंटरेस्ट नहीं दीजिएगा तो क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज में वह इंटरेस्ट आपके मूलधन में प्लस हो जाता है, और जो वह नेक्स्ट जो मिश्रधन बनता है मूलधन प्लस ब्याज, उस पे फिर आपका इंटरेस्ट चलता है। तो यह जो मिश्रधन होता है उसमें हमेशा ब्याज की राशि मूलधन में जोड़ी जाती है और नया मिश्रधन पर फिर ब्याज चलता है। तो हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज की गणना साधारण ब्याज से अधिक होती चली जाती है। तो यहां पर हम देखें कि ₹10,000 था पहले, जब पहले साल का जब हम इंटरेस्ट इसका निकालेंगे 8% से तो 10,000 × 8×1/100, तो 2 × 0 = 2 कटेगा, तो ये ₹800 इसका इंटरेस्ट होगा फर्स्ट ईयर। तो ये 10,000 में 800 जब जोड़ेंगे तो एक साल के बाद इसका मिश्रधन कितना हो जाएगा, ₹10,800 हो जाएगा। तो जब यह 10,800 मिश्रधन हुआ एक साल के बाद, तो दूसरे साल का जब हम 8% के हिसाब से इसकी गणना करेंगे तो अब मूलधन 10,000 नहीं होगा, यह होगा 10,800, और इसका जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो 2×0 = 2 कटेगा, 108×8 यानी अब आपका ₹864 इंटरेस्ट होगा सेकेंड ईयर का, और दो साल के बाद आपकी कुल मिश्रधन हो जाएगी 10,800 और प्लस 864 यानी 11,664। तो इस प्रकार आपका पहले था 10,000, फिर मिश्रधन एक साल के बाद हुआ 10,800, और तीसरे साल के बाद आपका मिश्रधन हुआ दो साल के बाद 11,664। तो पहले बढ़ा आपको ₹800, उसके बाद बढ़ा आपको ₹864, फिर उसके बाद वो और भी बढ़ता चला जाएगा, यानी एक निश्चित राशि आपका नहीं बढ़ रहा है, हर बार बढ़ रहा है, यानी यह एपी का उदाहरण नहीं है। तो बच्चों आज हमने एपी के कॉन्सेप्ट को समझा और पहला प्रश्न सीखा, अगले दिन हम लोग इसके आगे के प्रश्नों को सीखेंगे। तब तक आप लोग इसी प्रकार वीडियो को देखते रहें और इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।